पेट्रोल डीजल तथा गैस के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरएसपुरा क्षेत्र के गांव सलेह में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता बसपा के वरिष्ठ नेता तिलक राज भगत कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर बसपा कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है, जिस कारण आम लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ और जो कल ही 19% यात्रियों का किराया बढ़ाया है, उसके विरोध में आज हम जो सड़कों पर उतरे हैं केंद्र सरकार को जो बताने के लिए कि आपकी नीति ऐसी नहीं है। जब आपकी सरकार बनी थी आप कहते थे हम देश से गरीबी मिटा देंगे, लेकिन आज लग रहा है कि आज आप देश से गरीबों को मिटाने का प्रयास कर रहे हो। आए दिन बढ़ती महंगाई और जो किराया बढ़ा करके गरीब लोगों पर आपने जो बोझ बढ़ाया है, क्योंकि यात्री बसों में मेटाडोर में गरीब लोग सफर करते हैं और गरीबों पर जो आपने बोझ डाला है इसे वापस लिया जाए और पेट्रोल डीजल की कीमत को कम किया जाए ताकि किराया कम हो सके और गरीबों को थोड़ी सी निजात मिल सके। आए दिन आप सिलेंडर का रेट बढ़ा रहे हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हो, महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी अब दो वक्त की रोटी नहीं खा सकता। तो हम जे आज केंद्र सरकार को एलजी साहब को चेतावनी देते हैं कि अगर आप होश में नहीं आए तो यही लोग आपकी जो जिन्होंने कुर्सी दी थी यही लोग आपकी कुर्सी को वापस लाने का प्रयास करेंगे। जय भीम जय भारत।